स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए एक तरफ जहां सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं प्रशासन भी गांवों को जल्द से जल्द खुले में शौच से मुक्त करने को लेकर गंभीर दिख रहा है। इसके लिए गांव में बड़े स्तर पर शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे परिवार जो आर्थिक तंगी के चलते अपने घर में शौचालय नहीं बना सकते, सरकार उनके लिए शौचालयों का निर्माण करा रही है। गांव में शौचालय निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर फंड भी रिलीज किया जा रहा है। लेकिन बिजनौर का एक गांव ऐसा भी है जहां के लोगों ने गांव में शौचालय निर्माण के लिए सरकार से मिलने वाला पैसा लेने से इनकार कर दिया और लाखों की रकम को वापस लौटा दिया। गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए जहां ग्राम प्रधानों में अपने अपने गांव के लिए सरकार से फंड लेने की होड़ मची है, वहीं बिजनौर का एक गांव ऐसा भी है जहां लोगों ने गांव में शौचालय के लिए सरकार से दी जा रही 17,56,000 रुपए की बड़ी राशि को लेने से मना करते हुए ये पैसा लौटा दिया। पैसा लौटाने का कारण ये नहीं कि गांव वाले अपने घरों में शौचालय नहीं बनवाना चाहते, बल्कि कारण यह है कि ग्राम प्रधान और गांव वालों ने अपनी सूझबूझ और सहयोग से गांव के हर घर में पहले ही शौचालय का निर्माण करा लिया है। बिजनौर के हल्दौर ब्लॉक में पड़ने वाले गांव मुबारकपुर कला में ज्यादातर परिवार मुस्लिम समुदाय के हैं। ग्राम प्रधान और गांव के लोगों ने सामूहिक निर्णय लेते हुए जकात और आपसी चंदे के पैसों से गांव के लगभग लगभग हर घर में शौचालय का निर्माण करा दिया है। ग्रामीणों के आपसी सहयोग से गांव के लगभग 90% घरों में शौचालय बन चुके हैं और बाकी बचे हुए घरों में भी जल्द से जल्द शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके चलते गांव वालों ने आपसी सहमति के बाद प्रशासन द्वारा दी जा रही 17,56,000 रुपए की राशि को वापस कर दिया। गांव वालों का ये निर्णय अब आसपास के इलाके में भी लोगों के लिए मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। मेरे गांव में सरकार ने 17,56,000 रुपया भेजा था शौचालयों के लिए। अच्छा, फिर उसका आपने क्या करा? उस पैसे को हमने सरकार को वापस कर दिया कि मेरे गांव में 80-90% शौचालय बने हुए हैं। जो 10% शौचालय रह गए थे बनने से, उन व्यक्ति ऐसे थे जो कि उन्होंने अपने आप बना लिए। अच्छा, ये बताइए, आपने कुछ गरीब लोगों के भी कुछ मकान या शौचालय वगैरह बनवाए? हाँ, ये बात आपकी सही है। मैंने गांव में ये जो भी गरीब आदमी थे, गरीब औरत विधवा थी, उसका मकान अब बन रहा है और गांव के सहयोग से मकान हम बनवा रहे हैं उसका, और उसकी लैट्रिन भी बनवा रहे हैं। बहरहाल कोई मेरे गांव में अब बिना शौचालय के नहीं है, पूरा गाँव शौचालय मुक्त हो गया है। गांव वालों की माने तो उनके गांव के हर घर में पहले ही आपसी सहयोग के बाद शौचालय बनवा दिए गए हैं, इसलिए इन पैसों को गांव के दूसरे विकास कार्यों के लिए दे दिया जाना चाहिए। दरअसल अगस्त 2018 तक बिजनौर जिले को ODF जिला घोषित करने का लक्ष्य है, लेकिन जिले के 2600 गांवों में से अभी 50% से ज्यादा ही गाँव ODF हुए हैं। ऐसे में मुबारकपुर कला के ग्रामीणों के इस कदम की जिले के आला अधिकारी भी प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही सराहनीय काम है। ग्राम मुबारकपुर कला ये विकासखंड हल्दौर में आता है। यहाँ पे 671 घर हैं जिसमें 148 शौचालय बनने थे और इसमें 17,56,000 जो है 12,000 शौचालय के अनुसार जो है सरकारी मदद दी जानी थी। तो इसमें गाँव वासियों ने तय किया कि हम सरकारी मदद नहीं लेंगे और अपने संसाधनों से शौचालय बनाएंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि जो हम लोगों का काम होता है, हम लोग सर्वे कराते हैं गांव में और सर्वे करा के देखते हैं कि कौन लोग अपने संसाधनों से शौचालय बना सकते हैं और कौन नहीं बना सकते हैं। हमारी कंप्रेस डिमांड बनाई जाती है। कंप्रेस डिमांड का मतलब यही होता है कि जो अपने साधनों से बना सकते हैं उनको छोड़ दिया जाता है और हम उनका शौचालय बनवाते हैं जो अपने साधनों से नहीं बनवा सकते हैं। तो इसमें सभी गाँव वालों ने ये कहा है कि अपने साधनों से बना लेंगे और उन्होंने हमें लिख के भी दिया है। तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इसमें शौचालय निर्माण के बाद जो है हम उनको प्रशस्ति पत्र देंगे और आर्थिक मदद देंगे गांव के पुरस्कार के लिए, और जो पुरस्कार की हम धनराशि देंगे वो गांव के विकास में खर्च की जाएगी।